आज एमपी के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए बताया कि एमपी के पूर्वी हिस्से में ज्यादा बारिश होने की संभावना है, क्योंकि प्रदेश में ट्रफ लाइन एक्टिव हो रही है। तो वहीं आपको बता दें कि रीवा शहडोल समेत 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं भोपाल, इंदौर, जबलपुर समेत 40 जिलों में हल्की बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तो रीवा शहडोल में भारी बारिश की संभावना है, 40 जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। 12 जिलों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और साथ ही भोपाल समेत 40 जिलों में हल्की बारिश की पूरी संभावना बन रही है। पूर्वी हिस्से में ज्यादा बारिश की संभावना है मध्य प्रदेश के। मौसम बदल रहा है, बारिश लगातार देखने को मिल रही है, 40 जिलों में हल्की बारिश हो सकती है और ऐसे में कई जिले ऐसे भी हैं जहां पर तेज या फिर ज्यादा बारिश होने की संभावना जताई गई है। और हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं, भोपाल से जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं और ग्वालियर से हमारे साथ विनोद जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो आपके पास ही आते हुए जितेंद्र, चूंकि हम देख रहे हैं आज भोपाल में बड़े कार्यक्रम होने जा रहे हैं और बारिश हो रही है, बारिश को लेकर फिलहाल क्या अपडेट है? देखिए, अगर हम बारिश की बात करें तो राजधानी भोपाल की जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो बारिश है वो यहाँ पर हो रही है। सुबह से ही जो बरसात का दौर है वो शुरू हुआ था, जो अभी तक लगातार जारी है। और ऐसे में भोपाल में आज राष्ट्रपति का एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, उत्सव उन्मेष उत्सव का भी जो कार्यक्रम है वो भोपाल में होने वाला है और ऐसे में जो सुबह से बारिश है वो हो रही है। देखिए, मौसम विभाग ने पहले कहा था कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित आसपास के इलाके और जो पूर्वी क्षेत्र है वहां पर जो बारिश की झड़ी है वो कुछ इसी तरह से लगेगी। जैसे कि आप इन तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि सुबह से ही जो बारिश का दौर शुरू हुआ है वो अभी तक लगातार जारी है। मौसम विभाग ने भी कहा है कि रीवा, शहडोल, सतना यानी कि जो विंध्य का इलाका है, इसके अलावा अगर हम मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की बात करें तो वहां पर बारिश का जो दौर है वो देखने को मिलेगा। पिछले कुछ दिनों से बारिश की जो एक्टिविटी है वो थोड़ी सी कमजोर जरूर बनी हुई थी, लेकिन एक बार फिर से जो बारिश की एक्टिविटी है वो शुरू हुई है और जिसके बाद जो बारिश का दौर है वो सुबह से ही भोपाल में देखने को मिल रहा है। व्यवस्थाएं काफी की गई है क्योंकि आज राष्ट्रपति का भी कार्यक्रम होना है और ऐसे में करीब 800 से ज्यादा जो कलाकार हैं पूरे देश के वो आज भोपाल आने वाले हैं, तो ऐसे में उन्हें भी बारिश को देखते हुए तमाम जो व्यवस्थाएं वो की गई हैं। तो देखिए, अपने आप में ये जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं राजधानी भोपाल की, जहां पर अभी भी जो बारिश का दौर है वो जारी है और लगातार लोगों से बिल्कुल जितेंद्र भोपाल में बारिश हो रही है, कार्यक्रम भी है और ऐसे में भारी बारिश देखने को मिल रही है। लेकिन विनोद बताइए, ग्वालियर में फिलहाल क्या हालात है? मौसम खुला हुआ नजर आ रहा है, क्या बारिश की संभावना जताई गई है? देखिए आदर्श, अगर हम ग्वालियर चंबल की बात करते हैं तो आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं, 99% बादल छाए हुए हैं और दोपहर बाद ये बादल 100% हो जाएंगी। मौसम विभाग ने अनुमान के तौर पर ये बताया है कि आज ग्वालियर चंबल अंचल में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, ज्यादा तेज बारिश की यहाँ संभावना नहीं है। लेकिन हाँ, 5 और 6 तारीख को झमाझम बारिश होने की संभावना बताई गई है, यानी 2 दिन बाद इस अंचल में तेज बारिश हो सकती है। जिस तरह से मौसम ठंडा हुआ है कल से, क्योंकि कल कुछ इलाकों में, ग्वालियर चंबल के कुछ जिलों में बारिश हो गई थी, कहीं तेज बारिश हुई, कहीं कम बारिश हुई थी, तो अभी इस अंचल में जो बारिश हो रही है वो पूरी एरिया को कवर नहीं कर पा रही, कभी किसी जिले में होती, कभी किसी जिले में होती। ग्वालियर की ही अगर शहर की बात करते हैं तो शहर में दिन में अगर 3 बार कहीं बारिश होगी तो 3 इलाकों में थोड़ी थोड़ी बारिश देखने को मिलती है। तो मॉनसून की जो झमाझम बारिश होती है वो इस अंचल में 5 या 6 तारीख को देखने को मिलेगी, जो मौसम विभाग ने जैसा अनुमान जताया है। फिलहाल आज बादल छाए हुए हैं और दोपहर बाद कुछ कुछ इलाकों में हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। बिल्कुल, और ऐसे में तो बारिश का दौर लगातार मध्य प्रदेश में जारी रहने वाला है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते, रायपुर से बड़ी खबर।